जनवरी मार्च में पंजाब नेशनल बैंक को 13,417 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है, जो देश के बैंकिंग इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। रोडरेज और मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को दोषी करार दिया है, वही दोषपूर्ण होमिसाइड मामले में निर्दोष करार दिया है। अमेरिका ने इसराइल के तेल हवीवी स्थित अपने दूतावास को जेरूसलेम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। वहां के स्थानीय लोगों से लगातार झेलने पड़ रहे विरोध की वजह से ये निर्णय लिया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता स्थापन करने का आवेदन राज्यपाल को पेश किया है। वही दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस ने भी जनता दल सेक्युलर को साथ लेकर सत्ता स्थापन करने का दावा किया है। अभी अंतिम फैसला राज्यपाल के हाथ में है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरा है। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है तो 50 से अधिक लोग घायल हैं। उत्तर कोरिया ने उसके एटमी हथियार को खत्म करने का एक तरफा दबाव बनाने की स्थिति में ट्रंप के साथ किम जोंग की अगले महीने प्रस्तावित चर्चा को रद्द करने की धमकी दी है। वह दक्षिण कोरिया से वार्ता पहले ही रद्द कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक बुधवार को होगी। इसमें शीर्ष अदालत के लिए 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नामों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद ये नाम अंतिम मुहर के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे जाएंगे। आज भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट दिखाई दे रही है। सेंसेक्स 165 और निफ्टी 55 अंक से गिरकर कारोबार कर रहा है। वही बीएसई में इंडिया बुल्स तो एनएसई में लुपिन लिमिटेड टॉप गेनर है। आईपीएल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हराकर लीग में अपनी 7वीं जीत हासिल की है। वही आज मुंबई इंडियंस का अपने घरेलू मैदान पर किंग्स 11 पंजाब से मुकाबला होगा। मुंबई इंडियंस के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है।